हर पल पे तेरा नाम होगा, हर कदम पे तेरा सलाम होगा। मुश्किलों का सामना डट कर करना मेरे दोस्त, क्योंकि एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। दुनिया पे राज करने को कहता था एक उम्मीदों से बड़ा बंदा, जिसके सपनों का मजाक उड़ाया गया, लेकिन ऐसा परिंदा था जो तूफानों में भी बादशाह उड़ गया। हमारे आज के कहानी के हीरो का जन्म होता है कर्नाटक के छोटे से गाँव में, एक गरीब परिवार में, गौड़ा फैमिली में। जी हाँ, और वहां से उसकी जर्नी शुरू होती है। जिस प्रकार हर बच्चे को लगता है कि उसकी जिंदगी में सारी शान शौकत हो, हर वो चीज हो जिसके लिए उसे स्ट्रगल ना करना पड़े, लाइफ में सब कुछ बेहतरीन चलते रहे, लेकिन हर किसी के नसीब में ऐसी चीज कहाँ आती है। दुनिया के मात्र 2-3% लोग ही अच्छे नसीब लेकर पैदा होते हैं, बाकी सारे तो स्ट्रगल से सब कुछ पाते हैं। और सब कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत इतना आसान शब्द लगता है कि ऐसा लगता है कि बस मेहनत कर लेंगे, लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी मैदान छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे कहानी का हीरो कुछ अलग था। जी हाँ दोस्तों, इसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जिस परिवार में छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तरसना पड़ता था, क्योंकि पिता इतना नहीं कमाते थे कि बच्चों के हर उम्मीद को, हर चीज को पूरा कर सके। लेकिन सपने तो सपने होते हैं। हम स्कूल में जब जाते हैं तो टीचर का एक फेवरेट सवाल हर बच्चे से पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनना है, और बच्चे जवाब देते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। लेकिन हमारे हीरो का जवाब तो हमेशा अलग होता था, क्योंकि इसको बचपन से ही पिक्चर देखना बहुत पसंद था, और ये कहता था कि मुझे फिल्मों का हीरो बनना है, मुझे एक्टर बनना है। तो सारे बच्चे हमारे हीरो पे हंसा करते थे, क्योंकि पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर तो बना जा सकता है, लेकिन फिल्म में एक्टर बनने के लिए तो अलग से सिफारिश लगती है। उसी व्यक्ति को चांस मिलता है जिसकी कोई सिफारिश करता है। लेकिन हमारे हीरो का जो सपना था, ना सिर्फ उसका सपना था, वो सपने को जी रहा था, अपने लक्ष्य के लिए दिन रात लगा हुआ था, और उसके खून में इस तरीके से घुस चुका था उसका सपना कि उसने एक मोड़ पर आकर अपने पिता से कह दिया कि वो अपने एक्टर बनने के सपने, अपने पढ़ाई को भी छोड़ने तैयार है। लेकिन तब उसके पिता ने उसे समझाया कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कोई भी सपना हो, लेकिन सारे सपनों से सबसे बड़ी चीज कोई है तो वो है ज्ञान। तुम अपना बेसिक नॉलेज पूरा करो, उसके बाद तुम अपने सपनों के लिए आगे बढ़ो। और इस बंदे ने अपने पिता की बात मानी और अपना बेसिक एजुकेशन पूरा किया, और बेसिक एजुकेशन पूरा करने के बाद उसे अपना सपना पूरा करने बैंगलोर जाना था, लेकिन बैंगलोर जाने उसके पास पैसे नहीं थे। और पढ़ाई पूरी करने के बाद घर का भी टेंशन था, घर की जरूरतें भी पूरी करनी थी और अपने सपने को भी पूरा करना था। तो उसने अपने सपने को पूरा करने की सोचा, क्योंकि उसे पता था कि जब वो अपने सपने को पूरा करेगा तो घर की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। और वो दोस्तों से 300 रुपये उधार लेकर घर से भाग कर बैंगलोर पहुंच गया। अब उसे लगा कि बैंगलोर पहुंच गया है तो उसकी लाइफ भी सेट है, लेकिन उसकी असली जर्नी तो यहीं पर शुरू होने वाली थी। उसने बहुत सारे ऑडिशन दिए, लेकिन कहीं पर भी उसका काम न बन सका। और फाइनली उसने एक फेमस थिएटर को ज्वाइन कर लिया। उस थिएटर में भी उसे कोई लीड रोल नहीं मिलते थे, छोटे मोटे रोल मिलते थे, और वो पब्लिक के पीछे बैठकर कभी कभी पैसे कमाने के लिए चाय भी बेचा करता था। लेकिन इस व्यक्ति ने कभी हार नहीं मानी, और कभी कभी मेन रोल का एक्टर अगर एब्सेंट रहा तो इसे लीड रोल भी मिलने लगे, और इसकी मेहनत रंग लाई। और 2004 में इसे एक सीरियल में काम करने का मौका मिला, और सीरियल में काम करते वक्त लोगों ने इसके एक्टिंग कैपेबिलिटी को जानना शुरू किया और इसके हुनर का लोहा मानने लगे। और इस बंदे को 2007 में एक मूवी में सपोर्टिंग एक्टर के रूप में रोल मिला, और इसको पहले ही मूवी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिल गया। दोस्तों यहां से इसकी जर्नी की शुरुआत होती है, लेकिन इसका सपना तो मेन रोल और लीड रोल का था। 2008 में उसे पहली फिल्म भी मिली, लेकिन जैसा हर एक्टर के साथ होता है, इसकी पहली फिल्म कोई कमाल ना कर सकी, और लगभग 4-5 सालों तक इसे फिल्में तो मिलती गई लेकिन बहुत बड़ा कमाल ना हो सका। लेकिन यह बंदा दिन रात अपनी मेहनत में लगा रहा और अपने एक्टिंग करियर को और सुधारने की कोशिश करने लगा, और इसे ब्रेक थ्रू मिला 2013 की आई फिल्म गूगली से। जी हाँ, गूगली फिल्म से इसे हिंदी ऑडियंस भी जानने लगी। लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी, असली तूफान आना तो अभी बाकी था, असली उड़ान अभी बाकी थी, और इसकी जब फिल्मों में आगे बढ़ने का करियर चलते रहा। उस बीच में उसने अपने आप को कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जगह स्थापित कर लिया था। जी, बड़े बड़े हीरो के बीच में उसकी बात होने लगी थी, ज़्यादा पैसे लेने वाले एक्टरों में उसकी लाइन लगने लगी थी, लेकिन उसे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलना था बाकी, क्योंकि उसके नसीब तो कुछ और जानते थे। जी हाँ दोस्तों, और उसके नसीब खिले 2018 में आई एक बेहतरीन फिल्म जिसने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर हिस्ट्री बना दी। जी हाँ, 250 करोड़ की कमाई की इस मूवी ने। मैं बात कर रहा हूँ 2018 में आई मूवी KGF की। अब आप सब जान ही गए होंगे हमारे आज के कहानी का हीरो कौन है, अगर जान गए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों 2018 में मूवी आने के बाद इसने ना सिर्फ कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड, हॉलीवुड तक अपनी पहुंच बनाई, और आज वर्ल्ड वाइड इस एक्टर की फैन फॉलोइंग बहुत बेहतरीन है। लेकिन अभी तूफान आना बाकी था। जी हाँ दोस्तों, KGF के फर्स्ट पार्ट ने जब इतिहास बनाया तो लोगों को चाहते कि इसका सेकेंड पार्ट भी आए, और लोग इंतजार कर रहे थे कि सेकेंड पार्ट कब आएगा। दोस्तों सेकेंड पार्ट लॉन्च होते ही इसके टीजर और
ट्रेलर ने ही रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए तो सोच लीजिए मूवी किस प्रकार रिकॉर्ड बनाने वाली है। और ये सब मुमकिन हुआ है हमारे आज के कहानी के हीरो रॉकी भाई मिस्टर यश के कारण। जी हाँ, यश जिन्होंने अब ये साबित कर दिया है कि मेहनत की बदौलत इंसान कुछ भी कर सकता है। वो कहते ना, इंसान का जज्बा अगर किसी भी चीज़ को करने के लिए तैयार है तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुम से मिलाने में लग जाती है। और हमारे रॉकी भाई के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई मूवी KGF जो देखते ही देखते बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और हमारे रॉकी भाई जो अब स्टार बन चुके हैं। दोस्तों, रॉकी के इतने बड़े स्टार बनने के बावजूद उनके पिता जो कि एक बस ड्राइवर हैं आज भी बस चलाते हैं। जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप इतने बड़े स्टार के बेटे हैं, आप बस क्यों चलाते हैं, तो उनका जवाब सुनने लायक है। दोस्तों, वो कहते हैं कि जिस काम को कारण मैं अपने बेटे को स्टार बना सका, तो उस काम को कैसे छोड़ सकता हूं। दोस्तों, यश इतने सफल होने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, वो एक चैरिटी क्लब चलाते हैं जिसके द्वारा वो निडी लोगों को मदद करते हैं और वो भी हमेशा लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, ये जो हीरो है वो सिर्फ रियल लाइफ हीरो ना होके ये एक रियल लाइफ हीरो भी है। ऐसे यश जिन्होंने अपने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया जो वो करना चाहते थे और आगे की जर्नी भी इनकी बेहतरीन रहेंगी, क्योंकि बंदे में दम ही कुछ और है। इसे देख के ही लगता है कि ये है असली हीरो। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम यश की ये सक्सेसफुल स्टोरी पहुंचा सके और अपने आप को मोटिवेट कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।